नमस्ते दोस्तों। पिछले 1 साल से विधर्मियों की आंखों का काटा बना हुआ हूँ। पहले हर रोज 5-7-10 धमकी आ जाती थी, आजकल सैकड़ों आ रही है। अलग अलग सोर्सेस से, अलग अलग चीज़ों के द्वारा, सोशल प्लेटफॉर्म के द्वारा, फ़ोन आदि के द्वारा, व्हाट्सएप आदि के द्वारा, किसी अन्य प्रकार से सोशल एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेने वालों के द्वारा, कई सारी चीज़ों के द्वारा धमकियाँ देने का प्रयास चल रहा है। लाखों व्यूज़ हर रोज़ अब वीडियोज़ पर आ रही, पिछली सभी वीडियोज़ पर हज़ारों कमेंट हर रोज़ आ रहे हैं। तो सैकड़ों कमेंट केवल ये रहते हैं कि पता बताओ, गोली मार देंगे, चाकू से गोद देंगे, ख़त्म कर देंगे, अब तू नहीं बचेगा, ये वो इस प्रकार की। तो 3-4 कमेंट एक भाई ने भेजे, राहुल भैया देखो ये क्या। तो वो हर रोज़ का काम है उनका, फिर भी देखो, एक ये मोहम्मद अजीम है, अब तेरे को मारेंगे। एक ये सरबिन अहमद है, गोली मारूंगा। एक ये ऑटोमोटो व्लॉग्स है, आई प्रोमिस आई विल किल द ओनर ऑफ दिस चैनल, यू शुड बी इन द लिस्ट। ऐसे बहुत सारे कमेंट हैं। दोस्तों, आपकी कुछ सहायता हो जाएगी। पहले भी वीडियो बनाई है, लेकिन दोज हु वांट्स टू किल मी, उनको बता देता हूँ। आजकल रोहतक शहर है, नया बस स्टैंड है, गोहाना बाईपास है, उस पर विकास नगर है। जाकर के पूछेंगे राहुल आर्य खैरावट गांव का कहाँ रहता, पता चल जाएगा। तो आजकल वहाँ मैं ज़्यादा समय व्यतीत करता हूँ, वहीं पर ज़्यादा रहता हूँ। तो आपका स्वागत है वहाँ पर। आप मार ही सकते हो, पहले भी ऐसा हुआ है। ईसाइयों और मुस्लिमों ने षड्यंत्र करके हमारे गुरु महर्षि दयानंद सरस्वती को मरवाया था। उसके बाद लाखों मुस्लिमों को वैदिक धर्म में लाने वाले स्वामी श्रद्धानंद को गोलियों से भूना था, अब्दुल रशीद। पंडित लेखराम को चाकू से गोंद दिया था। महाशय राजपाल को, जिन्होंने रंगीला रसूल प्रकाशित की थी, उनको मार दिया था। ऐसे अनेकों उदाहरण हमारे महापुरुषों के। मैं थोड़ा अलग हूं, हटकर हूं, मैंने कुछ सीखा समय से। मैं थोड़ा क्षत्रिय गुणों वाला भी हूं, तो चुनौती स्वीकार है। आइए, जो असला बारूद लाना चाहते हैं लाइए, जो कश्मीर में चलाते हैं, पश्चिम बंगाल में, केरला में, असम, अरुणाचल, मेघालय में, पंजाब आदि में जो करते हो तुम, वो लेकर आइए। आपका देखते हैं। बहादुरगढ़ में कुछ व्यक्ति पूछताछ में आजकल चल रहे हैं, रहता कहाँ है, एड्रेस से पूछताछ कर रहे हैं। बच्चा बच्चा जानता है, सारी प्रकार की सूचनाएं मिल जाती हैं, कौन कहाँ क्या कर रहा है, किससे पूछ रहा है और कौन किसकी सहायता कर रहा है बहादुरगढ़ शहर में। यहाँ भी काफ़ी इनकी संख्या हो गई है, तो सबको देख लेंगे। दूर रहोगे उतना अच्छा है। हमारे बारे में कुछ षड्यंत्र करके, किसी का साथ देकर कुछ करने का प्रयास करोगे तो सबको ही लपेटे में आएगा, ध्यान रखना इस बात का। और इसे धमकी मत समझना, धमकी नहीं है ये, सलाह है सबके लिए। फिर भी यदि हमें भविष्य में कुछ होता है तो यह आत्मा आजर हमारा भय नित्य पवित्र है, ना डुबो सकते हो, ना सुखा सकते हो, ना मार सकते हो, ना काट सकते हो, ना जला सकते हो, ना कहीं कैद कर सकते हो। तो भूल जाओ राहुल आर्य का कुछ बिगाड़ सकते हो। अजर हूँ, अमर हूँ, अभय हूँ, नित्य हूँ, पवित्र हूँ, परम पिता परमात्मा की संतान हूँ, किसी में हिम्मत नहीं है कोई हमारा कुछ बिगाड़ के दिखाए। दोस्तों, एड्रेस बता दिया है, मेरे हिंदू भाई भी षड्यंत्र को समझें। ये एक चाल है जो ईसाई और मुस्लिमों के द्वारा खेली गई है, और इसमें दलित भी शामिल हो गए हैं, और इसमें हरामपाल, ये रामपाल, ये भी शामिल हो गए हैं, और कुछ अन्य गुरु घंटालों वाले भी, और कुछ घर के भेदी भी शामिल हो गए हैं, जिनको लगता है कि राहुल आर्य की कुछ बातें हमारी पुरानी विचारधारा को ध्वस्त कर रही हैं, वो भी शामिल हो गए हैं। तो दोस्त बन जाते हैं, ये दुश्मन का दुश्मन दोस्त ही होता है। तो ईसाइयों का और दलित और हरामपाल, इनके हिस्से में काम आया है कि राहुल आर्य को एंगेज रखो, उलझा कर रखो, फंसा कर रखो, समय मत मिलने दो, इतनी वीडियो निकाल दो इसके थ्रू, हर रोज़ 10 वीडियो आने दो, इतने आरोप लगा दो, किस किस का कौन कौन बचाव करेगा, लोग सोचेंगे कुछ तो होगा यार, तभी तो ये समस्याएं हो रही हैं। तो वो लोग इसमें लगा दिए हैं, मुस्लिम पीछे से अपना काम करने का प्रयास कर रहे हैं, और काफ़ी हद तक थोड़ा थोड़ा कर भी रहे हैं।
लेकिन चिंता मत करो, एक हाथ में शास्त्र है, दूसरे हाथ में शस्त्र भी है। जब तक जिएंगे ठीक से जिएंगे, अच्छे से जिएंगे, और संभवतः किसी माई के लाल में दम भी नहीं है कि आमने सामने से कुछ कर सके। षड्यंत्र रच के इधर उधर जाने आने में या कोई अन्य चीज़ें हैं वो एक अलग विषय है। पीठ पीछे से कुछ भी कर सकते हो, सामने से नहीं कर पाओगे, ये बता देता हूँ। आपने वीडियो देखी, बहुत बहुत आभार। सभी हराम खोरों तक पहुँचा देना वीडियो को, और अगली वीडियो में बताऊंगा कि हराम खोर और कुत्ते शब्द का अर्थ क्या है। ठीक ठीक वो प्रचारित प्रसारित आपको ज़रूर करनी है, उन कुत्तों और हराम खोरों तक पहुँच जाए कि अर्थ क्या होता है इनका, जो मैं लेता हूँ शब्द ठीक प्रकार से बताऊंगा। तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए, उन सभी कुत्तों तक पहुँच जानी चाहिए, उन हराम खोरों तक पहुँच जानी चाहिए जो मानवता के दुश्मन हैं, शांति सौहार्द भाईचारे को बिगाड़ना चाहते हैं, जो लाखों करोड़ों लोगों के कत्लेआम के मंसूबे देख रहे हैं, उन सभी लोगों तक पहुँचा दीजिए वीडियो। मलमल में छुपी हुई सुई जो है उन तक भी पहुंचा दीजिए। थैंक्स भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और करावे, ताकि विधर्मियों को यहां से मुंहतोड़ जवाब दिया जाता रहे। धन्यवाद। जय श्री राम। नमस्ते जी।